नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR EduTech में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फाइनली अब सचिव स्तर से आदेश आया है विद्यालय के संबंध में कि कौन से समय स्कूल खुलना है और कौन से समय बंद हो जाना है, क्योंकि इस बीच टीचरों के दिमाग में काफ़ी उठापटक थी। कुछ जगह BSC ने ऑर्डर कर दिया, जिलाधिकारी ने ऑर्डर कर दिया कि समय क्या होगा। इसी सिलसिले में फाइनली आज गया है सचिव स्तर से आदेश। तो चलिए जानते हैं कि आदेश में क्या है। चलिए, सभी जनपदों के लिए परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालन के समय संबंध बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का आदेश आया हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं। चलिए भैया, ये रहा आदेश, और ये आदेश आज की डेट का ही है। और ये देखिए आदेश में क्या लिखा हुआ है, 9/4/2022 का है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालन के संबंध में आदेश है। ये सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो आदेश में क्या, उच्च उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद अधीन संचालित परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अवगत कराना है कि सन 2022 और 23 के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जिसमें निर्देशित किया गया है 31/12/2021 का कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का प्रातः 8 से 2 बजे तक विद्यालय शैक्षणिक समय निर्धारित किया गया। अभी चूजे लास्ट में है, थोड़ा ध्यान बनाइए रखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार के निहित प्राविधान अनुसार शैक्षणिक वर्ष में कार्य और दिवस घंटा न्यूनतम संख्या का 4 से 5 तक और 200 कार्य दिवस तथा 800 शिक्षण घंटे तथा उच्च प्राथमिक के लिए 220 कार्य दिवस और 1000 शैक्षणिक घंटे निर्धारित किया गया है तथा शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कई घंटों का न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे अंतर्गत तैयारी के 2 घंटे भी निर्धारित किए गए। मतलब सब पहले से निर्धारित किया गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा धैर्य बनाइएगा क्योंकि लास्ट में कंफर्म किया कि क्या डिसीजन लिया गया है। COVID-19 के कारण समस्या हो गई और 141 दिन शिक्षण कार्य हुआ उच्च प्राथमिक, 133 दिन हुआ बेसिक में, ठीक है। चौथे हम देख लेते हैं, 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, ये सारी चीज़ें हैं। बैंकों खाता DBT के माध्यम से हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक सुनिश्चित करने के लिए नामांकित 100% छात्रों का पोर्टल पंजीकरण की बात की गई है, यानी कि जो नवीन नामांकन उनका पंजीकरण करना है। पूर्व से पंजीकृत नए छात्रों का नवीनीकरण किया जाना है। जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड नहीं बना उनका आधार कार्ड बनाया जाना है। विद्यालय में नामांकित समस्त छात्र छात्राओं के आधार नंबर, उनके माता पिता के नंबर और DBT संबंधित जितने भी कागज है इकट्ठा करके उसको रजिस्टर करना है पोर्टल पे, ठीक है, प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्टर करना है, ठीक। चलिए आठवें पे आ जाते हैं, परिषदीय विद्यालय में उक्त के अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रशासकीय कार्य तथा हाउस होल्ड सर्वे स्कूल अभियान के अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया ऑपरेशन कायाकल्प गतिविधि मानव संपदा पोर्टल और प्रशासनिक कार्य तथा समय पर निर्धारित कार्यों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों को सब विद्यालय में अनिवार्य आवश्यक है, ठीक। आगे अतः आपको निर्देशित किया जाता है, ग्रीष्म का अवकाश प्रारंभ होने तक विद्यालय प्रातः 7:30 से 1:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। पठन पाठन समय छात्राओं को 7:30 से 12:30 तक उपस्थित रहेंगे, यानी कि बच्चे जो है 12:30 तक रहेंगे, ठीक है। पठन पाठन है तो समस्त छात्र छात्राएं 7:30 से 12:30 रहेंगे, जिसमें प्रार्थना योगाभ्यास होगा, ठीक है। 10 से 10:15 तक का क्या हो जाएगा आपका मध्याकाश निलंज, और शिक्षक शिक्षा मित्र निदेशक 7:30 से 1:30 बजे तक का विद्यालय में उपस्थित रहकर अन्य प्रशासकीय कार्य करेंगे। मान्यता प्राप्त विद्यालय हेतु विद्यालय प्रबंधन अनुसार किया गया है, कार्रवाई सुनिश्चित करें, इसका नंबर ही ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये है, देख लिए एक बार स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि बच्चों को आना है 7:30 से 12:30 रहेंगे, लेकिन टीचर 7:30 से 1:30 बजे तक का रहना है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और, तब तक बने, नमस्कार।